सॉल्व की थी एंड देन 15.6 को हमने स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। एंड आई होप आपने उसको कंप्लीट कर दिया होगा जहां तक हमने इसको सॉल्व किया था। सो कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15.6 एक्सरसाइज। ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। 19 देखें क्वेश्चन नंबर, हमारे पास फंक्शन गिवन है दैट इज ईएक्स अपॉन एक्स एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। नो डाउट शेप ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज दैट इज अ कोशेंट फंक्शन, दैट इज अ रैशनल फंक्शन। अपॉन की शेप में दिया हुआ है, एक फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, एक फंक्शन आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है। तो हम नो डाउट इसमें अपना कोशेंट रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एफ डैश एक्स बिकम्स एज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दें, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखें और न्यूमरेटर का लेंगे डेरिवेटिव, ईएक्स का लेंगे डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर फंक्शन लिखकर डिनोमिनेटर फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। ये हमारा कोशेंट रूल था, अगर आपको याद है और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ये हमने फॉर्मूला लिखा था कोशेंट रूल का, तो मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे फॉलो किया। ठीक है, ये था मेरा कोशेंट रूल का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को मैंने इस फंक्शन पे अप्लाई किया। तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा u होगा, नीचे वाला फंक्शन v होगा, इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से हमने ये लिख दिया। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू ex का डेरिवेटिव ex होता है, हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ex का डेरिवेटिव ex होता है, माइनस ई एक्स लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये वन हो जाएगा अपॉन एक्स का स्क्वायर, ई एक्स ई एक्स कॉमन निकालें, अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। 20 इज सिमिलर, 20 आप खुद करेंगे। 21 देखें, ई एक्स रेज टू द पावर 3। तो जब पावर पे पावर आ जाती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल है कि पावर पे पावर आ जाती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। अब लें इसका डेरिवेटिव, ई थ्री एक्स को एज इट इज लिखकर इसकी पावर का लेंगे डेरिवेटिव, तो इसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। तो इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव ये बन गया। ठीक है, ये हमारा 21 हो गया। 22 आप इसी तरह से करेंगे। 23 देखें, ln 5x,
अब हम यहाँ पे ln का फार्मूला यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ln का फार्मूला क्या था हमारे पास, 1 अपॉन u डेरिवेटिव ऑफ u, ये फार्मूला था हमारा ln का। जिस फंक्शन का ln लेते हम उस फंक्शन को 1 अपॉन करके लिखेंगे और उसी फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। सो योर फंक्शन इज ln 5x, तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश x, तो उसको कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला 1 अपॉन 5x, 5x का ln लिया जा रहा है तो 5x को 1 से डिवाइड कर देंगे और फर्दर क्या करेंगे, 5x का ही डेरिवेटिव ले लेंगे। फाइव एक्स को डिवाइड करेंगे और 5x का डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन u du अपॉन dx। तो ये 1 अपॉन 5x तो वैसे का वैसे आ गया और 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 से कॉन्स्टेंट हो गया, तो 1 अपॉन x आ गया आपके पास ln 5x का डेरिवेटिव। ln 5x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ गया, ठीक है। सिमिलरली 24, 25, 26 सिमिलर क्वेश्चन है, मैं 26 सॉल्व कर रहा हूं। ln x cube minus 2x square plus 5 ओके, बाय यूजिंग फार्मूला इस पूरे फंक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे और इस पूरे फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। ओके, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x square, 2x square का डेरिवेटिव 4x, 5 इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। मेरे पास ये बन गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसका आप ले स्क्रीनशॉट। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 एफ एक्स है आपका ln x इंटू एक्स का स्क्वायर। तो नो डाउट यहां पे दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और सेकंड फंक्शन है ln x। तो अब हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, ln x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, ln x ये वैसे का वैसे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो ये x इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x ln x। इसमें से आप चाहें तो फर्दर x को कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस
टू एल एन एक्स। अगर आप चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पे मैंने ln की प्रॉपर्टी यूज कर दी, ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं ना, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ गया, उसने ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये 2 ln की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से ये एक्स के ऊपर आ जाएगा, इस तरह से इसको लिख सकते। तो एमसीक्यू में ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, आपको दोनों आंसर डिफाइन करने आते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 ऐसी है, आप खुद करेंगे 28 आप खुद करेंगे, इसी तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है उस पर। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, इट्स मीन वो आप खुद करेंगे। ln x की पावर 3, ln x की पावर होल का क्यूब, तो जब आप इस पे डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पावर को अप्लाई करेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे, फंक्शन लिखकर पावर में से 1 माइनस करेंगे, और फिर फर्दर क्या करेंगे, विदाउट पावर पूरे फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। आई एम कमिंग इन अ मिनट। ओके जी, पावर रूल हमें क्या कहते हैं, पावर को बेस पे लिखते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, और फिर पूरी ब्रैकेट का लेते हैं डेरिवेटिव विदाउट पावर। ये हमारा पावर रूल का फॉर्मूला है। तो मैंने यहां पे पावर रूल का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास ln x का होल स्क्वायर, और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x ln x और उसका होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया फंक्शन का, इसको फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हमारा आ गया आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ln x अपॉन ex स्क्वायर 33 देखे तो। ln x अपॉन ई एक्स का स्क्वायर, अब नो डाउट फंक्शन हमारे पास रैशनल फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म में है,
फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो अब हम यहाँ पे अपना कोशेंट रूल, डेरिवेटिव का कोशेंट रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एफ डैश एक्स बिकम्स डिनोमिनेटर फंक्शन का ले लेंगे डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन को ऊपर लिखेंगे और न्यूमरेटर का लेंगे डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर फंक्शन लिखकर डिनोमिनेटर का लेंगे डेरिवेटिव। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये भी वैसे का वैसे लिखा जाएगा। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा इनटू ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर लिखकर इसकी पावर का लेंगे डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ये ई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, ये वैसे का वैसे आ गया, ये ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स, ये वैसे का वैसे आ गया। फर्दर अगर आप चाहें तो ई एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, ये आपका ई एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स इंटू टू एक्स। ठीक है, मैंने ई एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे बचेगा वन अपॉन एक्स और यहां पे क्या बचेगा, ये कॉमन हो गया टू एक्स और एल एन एक्स, तो ये बाहर वाला ई एक्स स्क्वायर जो है ये नीचे वाले एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स एल एन एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर था ना जी, एक कैंसिल हो जाएगा एक बचेगा। फर्दर इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर एल एन एक्स होल अपॉन एक्स इंटू ई एक्स का स्क्वायर। मैंने क्या किया, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया एक्स, वो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर ये आ गया। ठीक है, तो 33 का आंसर हमारे पास सिंपली फॉर्म में आपके पास डिफाइन हो गया, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं बना सकते, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। 34 सिमिलर, ठीक है, 35 सिमिलर, 36 सिमिलर, 37 सिमिलर, 38 सिमिलर, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, बट आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 35, मैं 35 सॉल्व करूंगा कि सिमिलर है बट मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके जी, 35 में दिया हुआ है x माइनस 1 की पावर 5 इंटू 6x-5 और इस पूरे का है स्क्वायर। ओके जी, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। ओके जी,
इस होल की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2 को अंदर ले जाएं ब्रैकेट के, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी। पावर 1/2 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया, पावर पे पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारा फंक्शन हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और इसमें क्या है, इसमें दो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नो डाउट हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यस, प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं और इनटू सेकंड फंक्शन का लेते हैं डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन लिखते हैं और जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है उसका लेते हैं डेरिवेटिव। यस, एक्स माइनस वन लिख लें, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इस पे पावर रूल अप्लाई करें, पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से वन को माइनस करेंगे, विदाउट पावर ब्रैकेट का लेंगे डेरिवेटिव, सिक्स का सिक्स आ जाएगा, फाइव का जीरो हो जाएगा। ये सिक्स एक्स माइनस फाइव की पावर 1/2 वैसे आ गया, इसका लेंगे डेरिवेटिव, पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से वन को माइनस करेंगे और ब्रैकेट के अंदर का लेंगे डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा और वन का हो जाएगा जीरो। ये यहां पे ब्रैकेट क्लोज, बस अब कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ आपने इसको सिंप्लीफाई बना, ये 2, 3, 6 हो गया, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 3 × 6x − 5 की पावर 1/2 − 1 − 1/2, ये हो गया 6x − 5 की पावर 1/2। ये 1 हो गया, ये 5/2 वैसे का वैसे आ गया और इसकी पावर 5/2 − 1 ये बन जाएगा 3/2। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 3x − 1 की पावर 5/2 अपॉन, इसको अपॉन में ले, इसकी पावर अपॉन में आके हो जाएगी 1/2, प्लस 5/2 6x − 5 की पावर 1/2 इंटू x − 1 3/2। सो दिस इज योर आंसर। और अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो फिर कर सकते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट इट्स डिपेंड अपॉन द ऑप्शन, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन को सामने रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस हमने क्वेश्चन को देखा और उसको सॉल्व करने बैठ गए और उसको सिंप्लीफाई करते गए करते गए करते गए, पता चला कि आंसर में तो सिर्फ ये दिया हुआ था, हमने ऐसी 4-5 स्टेप आगे सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन को सामने रखते हुए अपने क्वेश्चन को वहां तक सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी, फिलहाल ये हमारा आंसर है। अगर आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो ये कर सकते हैं, x माइनस वन है, ये x माइनस वन है, इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ये एलसीएम है, इस एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट ऑप्शन को देखते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ तो फिर सारी बात है, फिर करने की जरूरत नहीं है, क्यों हम टाइम जाया करें इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था, ये उसका एक फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, ट्राई कीजिएगा। और अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर एज इट इज आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और अगर कोई कंप्लीटली सॉल्व करना होगा तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा।
ठीक है, अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जिसमें कहा है इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में उसने आपको एक y फंक्शन दिया है एफ ऑफ यू करके, 5u+3, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है u इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू -3x+10। ये दो फंक्शन दिए हैं उसने आपको, और उसने आपसे पूछा है फाइंड dy/dx, ये फाइंड करना है। दो फंक्शन दिया हुए और dy/dx फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैंने आपको जब हमने डेरिवेटिव को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको इसके मीनिंग बताए थे। इसके मीनिंग क्या होते हैं? इसके मीनिंग ये होते हैं, इसको हम पढ़ते इस तरह से, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम ये पढ़ते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है? मतलब हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसमें ये वेरिएबल लाजमी होना चाहिए, ये वाला वेरिएबल। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि हमने इसका डेरिवेटिव जब फाइंड आउट किया है विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट किया, ये देखिए ना, हमने d/dx लिखा है ना, d/dx, तो d/dx का मतलब क्या हो गया? x के रिस्पेक्ट से। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं वो वेरिएबल आपका फंक्शन में होना मस्ट है। मतलब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कंप्यूट करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें y वेरिएबल है ही नहीं। विद रिस्पेक्ट टू x कंप्यूट हो सकता है। अच्छा, उसने यहाँ कहा है dy/dx, मतलब y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है y फंक्शन में x का होना लाजमी है, ये y फंक्शन है इसमें x है ही नहीं। इसका मतलब ये हम कंप्यूट ही नहीं कर सकते। बट उसने जो y के अंदर u वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है तो u को उसने अलग से डिफाइन किया हुआ है और u के अंदर x आया हुआ है, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है मगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? कि हम u की फंक्शन की जो वैल्यू है ये उठा के यहां पुट कर दें, हमारे y फंक्शन के अंदर x आ जाएगा, फिर हम उसका x के रिस्पेक्ट से इजीली डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से सॉल्व कर सकता हूं, दोनों मेथड देख लें, दोनों मेथड में जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज कर लें। फर्स्ट मेथड देखिएगा इसका, फर्स्ट मेथड ये जिसमें मैंने आपको बताया u को उठाकर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? एफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ -3x+10 इज इक्वल टू 5 × -3x+10+3। क्या किया मैंने u की वैल्यू को उठाकर यहां पे पुट कर दिया, तो मेरे पास u फंक्शन क्या बन जाएगा? y का फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, -15x+50+3, ये बन गया -15x+53, ये मेरा y का फंक्शन बन गया। अब देखें, उसने कहा है dy/dx, अब हम dy/dx इजीली कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास y के अंदर x वेरिएबल आ गया, पहले नहीं था, y में u वेरिएबल था, हम ये चीज कंप्यूट नहीं कर सकते थे। यस, अब कंप्यूट कर सकते हैं। अब 3 को डिफरेंशिएट करें
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएट का मतलब भी डेरिवेटिव होता है. डिफरेंशिएट थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. डब्ल्यू आर टी का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इस पूरे का लेंगे डेरिवेटिव. तो माइनस 15 एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 15. 53 कांस्टेंट है, तो डी वाई बाय डी एक्स का आंसर आ गया माइनस 15. फर्स्ट मेथड सिंपल था. हमारे पास दो फंक्शन गिवन थे, हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पुट कर दिया, हमारे पास y फंक्शन जो है वो x की शेप में आ गया, हमने y का डायरेक्ट ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, हमारे पास आंसर आ गया. ये है मेरा फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड भी देख लें, ठीक है, फिर इसमें से जो आपको इजी लगे आप उसके रिस्पेक्ट से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अगर लेना चाहें तो, फिर मैं इसको रेस करके अपने इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते. ओके जी, इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिएगा. बाय यूजिंग चेन रूल. चेन रूल क्या होता है? ये एक फार्मूला है, एक रूल है, इसको वहां पे अप्लाई किया जाता है जहां पर आपके पास दो फंक्शन गिवन हो और इस तरह से गिवन हो कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन का डोमेन है. मतलब इस फंक्शन का डोमेन यू है और यू को फिर उसने अलग से डिफाइन किया. तो अगर एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का डोमेन है तो हम वहां पे चेन रूल को अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. चेन रूल ये कहता है, चेन रूल का फॉर्मूला फिर आपको याद रखना होगा. चेन रूल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई. ये देखिएगा इसको लिखने का क्या तरीका होता है, डी एक्स डी वाई एज इट इज लिख दिया, डी एक्स एज इट इज लिख दिया. डी वाई के नीचे क्या लिखेंगे? जो उसका वेरिएबल है, जो उसका वेरिएबल है डी यू, और एज इट इज डी यू को भी यहां पे लिख देंगे. दोबारा देखिएगा मैंने चेन रूल कैसे लिखा है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेकंड मेथड करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखिएगा. डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है, इसको मैंने ब्रेकआउट कर दिया, डी वाई अलग कर दिया, डी वाई अलग कर दिया, डी एक्स अलग कर दिया. डी वाई को देखें, डी वाई के अंदर कौन सा वेरिएबल है? वाई के अंदर यू वेरिएबल है. आप यहां पर डी यू लिखते, यहां पर, यहां पे भी लिख दें और यहां पे भी लिख दें. ये आपका चेन रूल का फॉर्मूला बन गया. इसको कह दें ए, अब आप इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग कंप्यूट कर लें. मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कंप्यूट करें. 5u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5, और 3 का क्या हो जाएगा? 0. u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कंप्यूट करें. -3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -3, और 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. तो दोनों का आंसर आ गया. इसको उठा के a में पुट कर, आपका dy by dx क्या बन गया? dy by du की वैल्यू क्या है? 5 into du by dx की वैल्यू क्या है? -3. तो 5 into -3 क्या होता है? -3.
तो आप देखें दोनों मेथड से आपका आंसर जो है वो एक जैसा है। अब ओवरऑल देखते हैं दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। एक मेथड में डिफरेंस ये है कि हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पुट करके उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। इस फंक्शन में क्या किया, हमने एक चेन रूल का फॉर्मूला लिखा और उसके रिस्पेक्ट से जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन थे हमने दोनों का डेरिवेटिव लेकर फॉर्मूले में पुट कर दिया। दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेकर उसको मल्टीप्लाई। फर्स्ट मेथड में एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पुट करके उसका डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड मेथड के अंदर मैंने क्या काम किया, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेकर उनके आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आपको पुट करके डेरिवेटिव कंप्यूट करना आसान लग रहा है तो फर्स्ट मेथड यूज कर लें, अगर दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेकर उनको मल्टीप्लाई करना है तो ये काम कर। वैसे दोनों मेथड आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये आपकी चॉइस है कि कोई भी मेथड यूज करो, आंसर देख लें दोनों का सिमिलर आ रहा। तो 39 से लेकर 52 तक हर क्वेश्चन में आपको दो दो फंक्शन दिए हुए, या तो आप फर्स्ट मेथड यूज कर लें या आप सेकंड मेथड यूज कर लें। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सारे सिमिलर हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सारे सिमिलर हैं और डिफिकल्ट भी कोई नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मेथड यूज करें सेकंड मेथड यूज करें ये आपकी चॉइस है। आपने 39 से 52 तक इनकी प्रैक्टिस कर लें और एज यूजुअल अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, किसी का आंसर आपको कंप्यूट करना नहीं आता, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, अगर होता तो मैं सॉल्व कर लेता, फिर भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आता हूं इस एक्सरसाइज के आखिरी पोर्शन की तरफ। तो इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है आपके, इन एक्सरसाइज 53 to 64 फाइंड f-2 and determine the value of x for which f dash x equal to 0. अगर आपको याद हो तो 15.5 के एंड पे भी हमने इस किस्म का क्वेश्चन सॉल्व किया था। 15.5 के एंड पे भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था और एज इट इज यहाँ पे भी ऐसी दिया हुआ है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर है 53, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 10x रेस टू द पावर 6। ओके जी, हमने इसके दो पार्ट कंप्यूट करने हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि हमने इसका एफ डैश टू कंप्यूट करना है। सेकंड पार्ट ये है कि हमने एक्स की वैल्यू कंप्यूट करनी है एट विच एफ डैश एक्स जीरो। और यही दो वैल्यूज, यही दो आंसर हम 15.5 में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो दोनों पार्ट के लिए पहले पहले आपको एफ डैश एक्स कंप्यूट करना, तो आप इसका एफ डैश एक्स कंप्यूट करो। तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, पावर को बेस में लेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे और डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के ऊपर और पावर को यहां पे हाइड कर देंगे। यस, 6 into 5 x square minus 10 की पावर 5 हो जाएगा, 5
5 स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 10 6 का 60। ये आ गया आपके पास f डैश x का आंसर। अब आते हैं पार्ट ए की तरफ। अब हम इसी के अंदर x को पहले 2 पुट कर देते हैं। जब आप x को 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा f डैश 2 और ये बन जाएगा 60 इंटू 2, 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 एंड होल की पावर 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 62 120, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 20 हो जाएगा माइनस 10, 120 इंटू 10 की पावर 5। इसका क्या मतलब हुआ, 120 के बाद 50। ये आपका पार्ट ए का आंसर आ गया, एफ डैश टू का आंसर। पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देना। जी ये 0 हो गया, 60x इंटू 5x का स्क्वायर माइनस 10 की पावर 5। एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दें। अब इसमें से x की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो दिस इंप्लाइज 60x इक्वल टू 0 और 5x स्क्वायर माइनस 10 की पावर 5 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 60x 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/60, तो x यहां से आ जाएगा 0। और अगर ये 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। ये पावर दूसरी तरफ जाकर 0 पे आ जाएगी, तो 0 की पावर कुछ भी लें उसका आंसर 0 ही आएगा। 10 को दूसरी तरफ ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 10/5, ये 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2। x की तीन वैल्यूज आ गई जिस पर f डैश x 0 हो रहा है, वो तीन वैल्यू कौन कौन सी है, 0 प्लस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। ये आंसर आ गया पार्ट बी का। तो पार्ट ए में आपने x को 2 पुट करके आंसर निकाला था f डैश में, और पार्ट बी में आपने f डैश को 0 पुट करके x की वैल्यू कंप्यूट करनी थी। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब इसके सारे फर्दर क्वेश्चन जो हैं सिमिलर, ठीक है, एक क्वेश्चन में और कर दूंगा इसमें से, बाकी सिमिलर है, आप खुद कर लेंगे। ओके, इसका एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। जी क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं इसका, चलें दो क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता हूं, एक ए की पावर एक्स वाला भी कर लेते हैं और एक एल एन एक्स वाला भी कर लेते हैं। तो एक कर लेते हैं इसका 59, एक्स इंटू ई की पावर -6। ओके जी, पहले फर्स्ट ऑफ इसका ले लें डेरिवेटिव। तो जब आप इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो इसमें आपको दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ए की पावर माइनस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस लिखकर इसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा।
x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस x। पार्ट ए की तरफ आएंगे, पार्ट ए में क्या करना है, x को 2 पुट करना, x को 2 पुट कर दें तो f डैश 2 क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस 2 वन माइनस टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 2 और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 अपॉन e की पावर 2। आप एज इट इज ये आंसर भी लिख सकते हैं और e की पावर 2 को कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका आंसर पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बट इट्स डिपेंड अपॉन के एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में ये लिखा हुआ है तो फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और अगर ऑप्शन में आंसर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के उसको 1 से डिवाइड कर दें, ये आपका एफ डैश 2 का आंसर। तो मैं यहां तक सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको आगे फर्दर एक स्टेप और बढ़ा दें। ये पार्ट ए का आंसर हो गया, पार्ट बी में क्या करेंगे, पार्ट बी में ये करेंगे f डैश x को 0 पुट करते हैं, इसको 0 पुट कर दें और यहां से x की वैल्यू निकाल दें। सो दिस इंप्लाइज e माइनस x इक्वल टू 0 और 1 माइनस x इक्वल टू 0। It is not possible. ये पॉसिबल नहीं है कि हम ए की पावर कुछ भी लें वो जीरो हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कैलकुलेटर आपके पास पड़ा हुआ है, आप कैलकुलेटर के ऊपर देखें ए की पावर में यहाँ पे जीरो लिखें, यहाँ पे वन लिखें, यहाँ पे टू लिखें, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कभी भी इसका आंसर जीरो नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि ए की पावर एक्स का आंसर जीरो हो जाए, नेगेटिव का या प्लस का किसी का भी, तो इसको तो हम फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच कंप्यूट ई की पावर माइनस एक्स रेस्ट पावर ई की पावर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो ई की पावर माइनस एक्स को जीरो कर दे, सो इट कैन नॉट बी सॉल्व, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे, यहां से हम कंप्यूट कर लेंगे एक्स की वैल्यू को, ये हमारा आंसर बी पार्ट का। तो इसको स्क्रीन शॉट ले लें इसका, अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं ln x का। इसी टाइप का जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ln x के हवाले से। तो ln x का क्वेश्चन आप देख लें, इसमें लास्ट वाला उठा लें 64। ln x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ले लें डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एल एन एस का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होते हैं और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है अपॉन 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स आ गया, अब क्या करेंगे पार्ट ए में x को 2 पुट कर दें तो f डैश 2 क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 2, 1 अपॉन 2.5 होता है माइनस 2, ये माइनस 1.5,
बी पार्ट एफ डैश एक्स को जीरो पुट करते हैं, ये जीरो हो गया, वन अपॉन एक्स माइनस एक्स, एक्स को इधर ले जाए प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स हो गया, एक्स को इधर ले आए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एंड दिस इंप्लाइज एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस, वन का स्क्वायर वन होता है, बोथ ऑफ साइड स्क्वायर ले लिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन, तो ये एफ डैश टू का आंसर हो गया, ये एक्स का आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी 15.6 एंड हो गई, 15.7 हम बाद में सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले हम 15.8 सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 15.8 में ये सब कुछ सेम है, ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये सारी चीज उसमें सेम है, तो हम 15.8 को पहले कर लेते हैं और फिर 15.7 जो है इसको देखेंगे, अगर आज टाइम मिला आज की क्लास में अगर टाइम बच जाता है तो 15.7 भी स्टार्ट कर देंगे, और अगर आज की क्लास हमारी 15.8 में पूरी होती है तो फिर हम 15.7 को नेक्स्ट क्लास में लीजिएगा, डिपेंड करता है टाइम अगर बच गया तो 15.7 हम आज ही कर लेंगे, अदरवाइज उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी मैं 15.8 स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 5 हमने कर ली, 6 कर ली, 7 हम बाद में करेंगे, 8 में अब कर रहा हूं, तो इस चैप्टर में बस यही एक्सरसाइज है। ओके जी, कम्स टू द 15.8 जिसकी क्वेश्चन की हेडिंग ये दी है उसने आपको, फॉर एक्सरसाइज 1 to 30 पार्ट ए फाइंड एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स, पार्ट बी एवलेट एफ डैश वन एंड एफ डबल डैश वन, एंड पार्ट सी verbalize the meaning of f dash 1 and f double dash 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 से 30 तक उनमें ए बी सी करके उसने पार्ट पूछे, ये तीनों पार्ट आपने हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर ए बी सी करके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन जो है 3 दे देते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई नंबर 15.8। इसका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहा हूं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये हमारा फंक्शन है, पार्ट ए सॉल्व करेंगे, पार्ट ए में हमने क्या करना है एफ डैश एक्स कंप्यूट करना है, तो कंप्यूट करें इसका एफ डैश एक्स, 8x प्लस माइनस 1, इसका 8x हो गया, पावर नीचे आएगी, 4 टू द 8 पावर 7 माइनस करेंगे, x का डायरेक्टली 1 हो गया, 5 का 0, इसको कह दें 1। पार्ट ए में उसने एफ डबल डैश भी पूछे, उसने आपसे ये दो आंसर पूछे पार्ट ए में, एफ डैश एफ डबल डैश, मैंने आपको बताया था एफ डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, 8x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8 और 1 का 0, इसको 2 दे दें, तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इस फंक्शन का दो दफा डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, एक दफा हो गया फिर दोबारा इसका, ये डबल डैश एक्स, तो पार्ट ए में उसने कहा था एफ डैश एक्स निकालें, एफ डबल डैश एक्स निकालें, पार्ट बी की तरफ आते हैं,
पार्ट बी में उसने एफ डैश वन पूछे, तो आप एक्स को वन पुट करते, एफ डैश वन पूछे ना तो आप एक्स को वन पुट करते दोनों में, तो एफ डैश वन क्या हो जाएगा, यहां पे वन पुट कर दें, एट इंटू वन माइनस वन, एट माइनस वन से, तो एफ डबल डैश वन क्या होगा, ये भी उसने पूछा आपसे, तो एफ डबल डैश एफ में एक्स को वन पुट कर दें, एक्स उसमें है ही नहीं, वो एट ही रह जाएगा, तो आपने एफ डैश वन भी कंप्यूट कर लिया और एफ डबल डैश वन भी कंप्यूट कर लिया, ये आपका बी पार्ट कंप्लीट हो गया। सी पार्ट में अब आपने इनकी वैल्यूज को वर्बलाइज करना है, मीनिंग बताने हैं वर्ल्डिंग में। तो मैंने आपको डेरिवेटिव के स्टार्ट में बताया था कि डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव को हम कहते हैं कि ये फंक्शन का स्लोप होता है, डेरिवेटिव स्लोप होता है फंक्शन का, और जब आप कोई पॉइंट उसमें पुट करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, स्ट्रेट लाइन में जब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप कंप्यूट करते हैं उसका स्लोप इक्वल होता है, जब हम कर्व के ऊपर उसका स्लोप कंप्यूट करते हैं तो कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होते हैं। तो डेरिवेटिव लेकर उसमें जब हम कोई पॉइंट पुट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, हम उस पॉइंट पे स्लोप कंप्यूट करते हैं, उस पॉइंट पे स्लोप कंप्यूट करें जो पॉइंट आप फंक्शन में पुट करते हैं। देखिए, इस फंक्शन का मैंने लिया डेरिवेटिव, इस फंक्शन का लिया मैंने डेरिवेटिव, ये स्लोप की इक्वेशन आ गई। जब मैं इस स्लोप के अंदर वन को पुट करूंगा तो इसका क्या मतलब होगा कि ये इस फंक्शन का स्लोप है इस पॉइंट, ये इस फंक्शन का स्लोप है इस पॉइंट पर। अगर मैं यहां पे टू रख दूं तो नो डाउट आंसर चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ना हर पॉइंट पे स्लोप का आंसर चेंज होता है, जब आप यहाँ पे वन रखेंगे आंसर सेवन आएगा, टू रखेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, थ्री रखेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है हर पॉइंट पे आंसर स्लोप का चेंज आ रहा है। तो ये आपने मीनिंग डिफाइन करने है इसके वर्डिंग में। अच्छा, एफ डबल डैश क्या है, एफ डैश तो एफ एक्स का स्लोप हो गया ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये लिया आपने, तो ये इसका स्लोप शो करेगा, तो एफ डबल डैश आपने कहां से कंप्यूट किया, वो यहां से कंप्यूट, मतलब इसका डेरिवेटिव लिया, तो इसका ये जो है ये इसका स्लोप बन जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव इस फंक्शन का है, तो इस फंक्शन का जो स्लोप होगा वो ये होगा, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है। तो अब हम इसको मीनिंग में लिख लें, क्या लिखेंगे, एफ डैश वन के मीनिंग पूछ रहे हो आपसे, एफ डैश वन क्या है, It is the value of slope of the function fx at x equals to 1. ये क्या है, ये fx का slope है इस point पे, ये fx का slope है, जब आप इसमें x को 1 पुट करेंगे तो वो उस पॉइंट पर उसका स्लोप है। f डबल डैश 1 के मीनिंग क्या होंगे, इसके मीनिंग है इट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप किसका, ये f डैश x का स्लोप है, f डैश x एफ एक्स का स्लोप है, f डबल डैश x एफ डैश x का स्लोप है, क्योंकि डबल डैश f डैश से आपने कंप्यूट किया है और f डैश जहां से कंप्यूट किया वो एफ एक्स है। तो जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं ना वो उसका स्लोप कहलाते हैं, आपने इसका डेरिवेटिव लिया ये इसका स्लोप बन गया, आपने इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव लिया ये फिर इसका स्लोप बन गया, और जो भी उसने पर्टिकुलर पॉइंट बताया है
उसको. तो एफ डैश वन इट इज द स्लोप ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन. एफ डबल डैश वन इट इज द स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू. तो ये हमारा फंक्शन था, उसका पार्ट ए, उसका पार्ट बी, उसका पार्ट सी. तो वन से लेकर 30 तक आपने हर क्वेश्चन के अंदर ये तीन पार्ट कंप्लीट कर. अब मैं आता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू 15. इसका ए पार्ट, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट है जीरो, इसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो का डेरिवेटिव जीरो. पुट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ डैश वन क्या बनेगा जीरो, एफ डबल डैश वन क्या बनेगा जीरो. पार्ट सी, एफ डैश वन क्या है, स्लोप ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन. एफ डबल डैश वन क्या है, स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू. ये मेरा क्वेश्चन वन हो गया, क्योंकि वन में कांस्टेंट फंक्शन दिया था इसलिए पहले मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करता मैं भी आपको समझ में ना आता किया क्या सर. तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमें आइडिया हो गया कि हमने करना क्या, फिर मैंने वन को सॉल्व किया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, फिर फर्दर जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा. फिर जब आप उसमें इसको वन पुट करेंगे तो इसमें तो कोई एक्स है ही नहीं, तो वो जीरो ही रह जाएगा. तो ये हमारा क्वेश्चन वन हो गया, ये थ्री हो गया. एंड सिमिलर अदर क्वेश्चन, तो हम कुछ और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अदर, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएंगे एक्सरसाइज में. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. ओके जी, इसका देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स. सेवन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स एंड प्लस वन. ओके जी, पार्ट ए एफ डैश एक्स, सेवन एक्स का डेरिवेटिव 21 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 5. एफ डबल डैश एक्स 42 एक्स माइनस 4. बी पार्ट, एक्स को वन पुट कर दें वन में और टू, एफ डैश वन क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन फाइव 21 फोर प्लस फाइव. ओके जी, ये बन गया 20. और एफ डबल डैश वन क्या बन जाएगा, 42 माइनस 4 ये बन गया 38. सी पार्ट, एफ डैश वन क्या शो कर रहे हैं, स्लोप ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन. एफ डबल डैश वन क्या शो कर रहे हैं, स्लोप ऑफ एफ एक्स सॉरी एफ डैश एट एक्स इक्वल टू वन.
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। एक्स का स्क्वायर माइनस 2 होल की पावर 5। ओके जी, इसका लें फर्स्ट डेरिवेटिव पावर को बेस में लें, पावर में से 1 माइनस करें और ब्रैकेट का लें डेरिवेटिव। ओके जी, ये आंसर क्या बन जाएगा, 5x² - 2 की पावर 4, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 5 × 2 = 10x हो जाएगा। ये f डैश x आ गया, इसको 1 कह दें। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश, तो इसी का एक और डेरिवेटिव लेंगे। जब एक और डेट लेंगे, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई, यस यू इनटू वी का फॉर्मूला लेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। So this is equals to 10x, इसका डेरिवेटिव हम ऊपर ले चुके हैं, इसका डेरिवेटिव एज इट इज ऐसे लेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे और x² - 2x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस x² - 2 की पावर 4 वैसे आ गया, 10x का डेरिवेटिव 10 हो जाएगा। ओके, 2 × 4 = 8, 8 × 10 = 80, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, अगर आप चाहें तो 10 × x² - 2 की पावर 3 को कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा 8 प्लस x² - 2, ये पावर 3 बाहर चली गई, यहां पे एक पावर बच जाएगी, x² भी बचेगा अंदर। टेन कॉमन ले लिया ना, तो यहां पे 8 बचेगा और ये x² आएगा और ये बाहर कॉमन चला गया, प्लस 10 बाहर चला गया, इसकी पावर 3 बाहर चली गई, एक पावर बच जाएगी, तो 8x² + x² हो जाएगा 9x². इसको कह दी, f डैश x भी आ गया, f डबल डैश x भी आ गया, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ, बी पार्ट में क्या करना है, एक्स को 1 पुट करना है, एक्स को 1 पुट करें 1 में भी और 2 में भी, जब 1 में पुट करेंगे एफ डैश 1 क्या बन जाएगा, यहां पे 1 यहां पे 1, 10 × 1, 1² - 2 उसकी पावर 4, 10 × -1 की पावर 4 प्लस 1 होता है, आंसर 10 आ जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट,
अब मैं डबल डैश में एक्स को वन पुट करूंगा एफ डबल डैश वन, इसमें अब आप एक्स को वन पुट करें तो ये बन जाएगा आपके पास 10 इंटू वन का स्क्वायर, वन का क्यूब, वन का स्क्वायर माइनस टू और क्यूब 9 इंटू वन का स्क्वायर माइनस टू। तो मैंने एफ डबल डैश एक्स के अंदर एक्स को वन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है और वन का स्क्वायर वन होता है, नाइन वन का नाइन हो जाएगा, ये माइनस वन का क्यूब हो गया, ये सेवन हो गया, माइनस वन का क्यूब माइनस होता है, सेवन से मल्टीप्लाई हो गया, टेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सेवेंटी। ठीक है, सी पार्ट में वही आंसर, एफ डैश वन क्या शो कर रहे हैं, स्लोप ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, एफ डबल डैश वन क्या शो कर रहे हैं, स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स, तो सी पार्ट एज इट इज वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इसका सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसका एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए की पावर 10 माइनस 2x, जी इसका लें पार्ट ए फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर लिखकर इसकी पावर का लेते हैं डेरिवेटिव, 10 माइनस 2x का लेंगे डेरिवेटिव, 10 माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 2, इसको कह दें 1। उसके बाद आएंगे सेकंड डेरिवेटिव की तरफ, माइनस टू को बाहर कर दें और इसका लें डेरिवेटिव, इसका दोबारा डेरिवेटिव वही आ जाएगा, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे और इसकी पावर का लेंगे डेरिवेटिव, तो माइनस टू ई की पावर 10 माइनस 2x, पावर का डेरिवेटिव माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको कह रहे हैं 2, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ, क्या करना है उसमें, एक्स को वन पुट करना है, तो एफ डैश वन क्या हो जाएगा, माइनस टू ई की पावर 10 माइनस टू इंटू वन, माइनस टू ई की पावर 10 माइनस टू, माइनस टू ई की पावर 8, ये आंसर आ गया आपका। और अगर आप चाहें तो ई की पावर 8 कैलकुलेटर से कंप्यूट करके माइनस टू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एफ डबल डैश टू डबल डैश वन 4 इंटू ई की पावर 10 माइनस टू इंटू वन, ये हो जाएगा 4 ई की पावर 8।
ये बी पार्ट सॉल्व हो गया, सी पार्ट भी क्या करते हैं उसको डिफाइन कर देते हैं, एफ डैश वन क्या है, ये स्लोप है ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, एफ डबल डैश वन क्या है, ये स्लोप है एफ डैश एक्स का एट एक्स इक्वल टू वन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लॉग वाला लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं लॉग वाले को। लॉग वाला क्वेश्चन ले लें 26। एफ एक्स एल एन एक्स क्यूब प्लस 4, ओके इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में क्या करना है, इसका दो दफा हमने डेरिवेटिव कंप्यूट करना। यस एफ डैश एक्स इस पूरे फंक्शन को डिवाइड करेंगे और फिर फर्दर इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। ये आ गया एफ डैश एक्स का आंसर। एफ डबल डैश एक्स जब लेंगे तो इस पे लग जाएगा कोशेंट रूल का फॉर्मूला। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर का लेंगे डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर लिखकर डिनोमिनेटर का लेंगे डेरिवेटिव। सो एक्स क्यूब प्लस 4, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4 का होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2x क्यूब प्लस 8 माइनस 6x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्यूब क्यूब में से माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4 एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया एफ डबल डैश एक्स का आंसर। ये एफ डैश एक्स का आंसर था, इसको 2 कहते। तो पार्ट ए सॉल्व हो गया हमारा। पार्ट बी की तरफ आएंगे। पार्ट बी में हमने एक्स को 1 पुट करना है। तो एक्स को 1 पुट कर दें पार्ट बी में, एक्स इक्वल टू 1 इन 1 एंड 2। तो पहले एफ डैश 1 का आंसर निकाल लें, 2 इंटू 1 अपॉन 1 का क्यूब प्लस 4, 2 अपॉन 1 प्लस 4, ये बन जाएगा 2 अपॉन 5। ये एफ डैश 1 का आंसर आ गया, एफ डैश डबल डैश 1 का आंसर। इसमें एक्स को 1 पुट कर दें, 8 माइनस 4 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 4 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। पार्ट सी एफ डैश 1 एज इट इज लिख देंगे, स्लोप ऑफ एफ एक्स
एट एक्स इक्वल्स टू वन, एफ डबल डैश वन क्या है, स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया आपका क्वेश्चन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन, थर्टी। 27 देख लें और 30 देख लें, दोनों देख लें। ट्वेंटी सेवन है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके जी। इसका लें फर्स्ट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दें, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दें, न्यूमरेटर का ले लें डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर लिखकर डिनोमिनेटर का ले लें डेरिवेटिव। वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, जीरो माइनस टू एक्स हो जाएगा। वन का जीरो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर प्लस टू एक्स का स्क्वायर, वन प्लस का स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स। अब लें इसका सेकंड डेरिवेटिव, अगेन क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, इसकी पावर पावर का स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव, माइनस ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ऊपर फंक्शन लिखकर डिनोमिनेटर का लेंगे डेरिवेटिव, वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ओके जी। वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर वैसे आ गया। इसकी पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से वन माइनस करेंगे और ब्रैकेट कर लेंगे दोबारा डेरिवेटिव, वो आ जाएगा माइनस टू एक्स। फर्दर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर ये होल का स्क्वायर हो जाएगा और टू टू द फोर एक्स हो जाएगा और ये एलपी सर टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका आ गया एफ डबल डैश एक्स।
टू को नीचे उतारेंगे, टू में से वन माइनस करेंगे, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस फोर, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज, ठीक है जी, ये इसको ऐसे रख देंगे। अब बी पार्ट में आ जाएंगे, एक्स को वन पुट करेंगे, वन में भी और टू में भी, तो पहले वन में पुट करते हैं, पहले वन में पुट करते हैं, वन प्लस वन का स्क्वायर, वन माइनस वन का स्क्वायर, ये टू हो गया, ये जीरो हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। वन माइनस वन जीरो हो गया, और सिमिलरली एफ डबल डैश वन का आंसर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, टू इंटू वन, वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, वन माइनस वन का स्क्वायर, जब आप होल अपॉन खींचे वन माइनस वन के स्क्वायर का फोर करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो एफ डबल डैश वन भी इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, ठीक है, और मैं जो अपने रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, एक्स एल एन एक्स। ओके, इसका लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ट्रायड रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके जी, ये हो जाएगा प्लस एक्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, एल एन एक्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स होता है, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स, ये एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स निकालने हैं। तो अब इस पे कोशेंट रूल अप्लाई होगा, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, कोशेंट का डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर ऊपर, और ई एक्स का लेंगे डेरिवेटिव, माइनस ई एक्स लिखकर डिनोमिनेटर का लेंगे डेरिवेटिव, प्लस इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और ये देखिए हमने ऊपर अप्लाई किया है इस पे, इसका आंसर आ जाएगा ये, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ex अपॉन x प्लस ex ln x, इसका आंसर मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास x ex माइनस x ex, ये हो जाएगा ex का स्क्वायर प्लस ई एक्स अपॉन एक्स प्लस ई एक्स
ln x, ex, ex को कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा x माइनस वन अपॉन x का स्क्वायर प्लस ex अपॉन x प्लस ex ln x. फर्दर ये नहीं हो सकता सॉल्व, इसको बस ऐसे छोड़ दें, इसको टू कह दें. अब बी पार्ट में आ जाएंगे, एक्स को वन पुट करेंगे, वन में भी और टू में भी. जब आप इसको वन में पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर वन अपॉन वन प्लस ई की पावर वन एल एन वन. एल एन वन जीरो होता है तो इसका आंसर ई वन आ जाएगा. ई वन का आंसर आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, या इसको ई ई छोड़ दें. ई वन को हम ई भी लिख सकते हैं ना, ई. तो इसका एफ डबल डैश वन निकाल लें, ई की पावर वन वन माइनस वन अपॉन वन का स्क्वायर प्लस ई वन अपॉन वन प्लस ई वन एल एन वन. ये भी जीरो हो गया, ये ई हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये ई आंसर. सी पार्ट वैसे ही करना है. एफ डैश वन क्या शो कर रहे हैं, स्लोप ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन. एफ डबल डैश वन क्या शो कर रहे हैं, स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू. ये इसका सी पार्ट होगी. ठीक है जी, ये 1 से 30 तक, 1 से 30 तक आपने सारे क्वेश्चन ए बी सी करके इसी तरह से सॉल्व करने हैं जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए. अब हम आते हैं 31 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 31 में उसने एक हाइट का फंक्शन दिया हुआ है आपको. h इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 16 पी का स्क्वायर. 31 में उसने आपको एक हाइट का फंक्शन दिया है. द हाइट ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 फीट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन वेयर h इज मेजर्ड इन फीट एंड t इज मेजर्ड इन सेकंड. t जो है वो सेकंड में उसका यूनिट है और h जो है उसका यूनिट है फीट में. उसने आपसे पूछिए व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4. ये उसने ए पार्ट आपसे पूछा है. Velocity at t is equal to 4. तो by definition of velocity जो है इसको हम कहते हैं change of rate of change of displacement with respect to time. तो जो distance होता है उसके अंदर जो changing आती है time के respect से उसको हम velocity कहते हैं. यहाँ पे distance h को show कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, h का डायरेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एट t इज इक्वल, ये काम हम करेंगे. पार्ट ए हमें सॉल्व करने है, वेलोसिटी कंप्यूट करनी है. बाय डेफिनेशन वेलोसिटी का आंसर होता है h का हाइट का डायरेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. और उसने t का पॉइंट भी दिया है 4 पे, आप इसको फाइंड करना है. तो आप h का लें डायरेटिव. यस, दिस इंप्लाइज dh अपॉन dt. इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच, 1000 कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 32 टी.
तो डी एच अपॉन डी टी का आंसर आ गया -32t। इसको वन कह दें, सॉरी टू कह दें इसको। अब क्या करेंगे इसमें, टी को फोर पुट कर, तो टी को फोर पुट कर दिया, ये बन जाएगा -32 × 4। ये आपके पास बन गई वेलोसिटी। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट बी की तरफ आएंगे, पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में उसने एक्सेलरेशन पूछा है टी फोर पे, एट टी इज इक्वल टू फोर। एक्सेलरेशन क्या होते हैं, ये वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग होती है टाइम के रिस्पेक्ट से, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हाइट का डबल डेरिवेटिव, हाइट का डबल डेरिवेटिव। तो ये आपने वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकाला हुआ है, इसका आप दोबारा डेरिवेटिव लें। दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी का स्क्वायर, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, ये आ जाएगा -32। इसमें टी को फोर पुट कर दें तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, इसमें टी है ही नहीं, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये मैंने इसे इसके फॉर्मूले लिख देता हूं जो हमने इसमें यूज किए। वेलोसिटी is equals to dh upon dt. Acceleration is equals to velocity ka derivative. Or acceleration is equal to d square h upon dt. Matlab height ka do dafa derivative, ye bhi acceleration hai. या आप वेलोसिटी का दोबारा डेरिवेटिव ले लें वो भी एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट, ये हो गया आपका 31 32 33 34, ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर। 31 32 33 34, तमाम क्वेश्चन सिमिलर हैं। ये क्वेश्चन अब आप खुद कर लेंगे। मैं आ जाता हूं 35 की तरफ, ठीक है। 31 32 33 34 खुद कर लेंगे, मैं आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 35 से ऑनवर्ड उसने ये कहा है कि फाइंड ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे उसने 35 दिया क्वेश्चन नंबर, एफ एक्स इक्वल्स टू 16x³ - 4x² हमने इसके सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट करने हैं। हायर ऑर्डर का मतलब ये है फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट के बाद जितने भी डेरिवेटिव हैं फर्स्ट ऑर्डर के बाद वो सारे हायर ऑर्डर का, मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ये सारे हायर ऑर्डर कहलाते हैं।
और ये इसका मतलब ये है कि आपने डेरिवेटिव को उस वक्त तक कंप्यूट करना है जब तक फंक्शन खत्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए। जैसे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 16 × 3 = 48 एक्स का स्क्वायर माइनस 8x, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर क्या होगा, 48 × 2 = 96x - 8। थर्ड ऑर्डर क्या होगा, 96। फोर्थ ऑर्डर क्या होगा, और इसके आगे जितने भी ऑर्डर आएंगे ना सारे जीरो रहेंगे, क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव जीरो जीरो जीरो। तो हमने इसको वहां तक लेके जाना है जब तक इसका डेरिवेटिव खत्म ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। और ये याद रखिएगा, जितनी आपके पास जो है हाईएस्ट पावर होती है वहां तक उसका डेरिवेटिव कंप्लीट होता है, उसके बाद सारे जीरो। तो हम इस फंक्शन का थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद देखें सारे जीरो हो गए, क्योंकि एक्स क्यूब था ना तो थर्ड ऑर्डर, एक्स फोर होता तो फोर्थ ऑर्डर तक जाते, एक्स फाइव होता तो हम फिफ्थ ऑर्डर तक जाते, उसके बाद सारे जीरो जाते। तो फर्स्ट, ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, इन सब को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं, ये ऑनवर्ड हायर ऑर्डर। फर्स्ट के अलावा जितने भी ऑर्डर के आप डायरेक्टली कंप्यूट करते हैं वो सारे हायर ऑर्डर के हैं। और ये कहा जाता है जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर होती है फंक्शन में, डायरेक्टली वहां तक कंप्यूट हो सकते हैं, उसके बाद जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 थी, तो देखें थर्ड ऑर्डर तक डायरेक्टली कंप्यूट हो रहा है। अब हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं इसमें, जस्ट लाइक 43। उसको देखें, में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 10x4 - 2x³ प्लस 3, ये फंक्शन दिया है और हमने इसके सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट करने हैं। इसमें देखिए फंक्शन की हाईएस्ट पावर 4 है, इसमें फंक्शन की अंदर जो डोमेन है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है। अब देखें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 40x³ - 6x² + 0। सेकंड ऑर्डर 120x² - 12x। थर्ड ऑर्डर 240x - 12। फोर्थ ऑर्डर 240, और अगर हम फिफ्थ ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 4 थी तो 4 तक डेरिवेटिव आएगा, फिफ्थ और से ऑनवर्ड सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये फंक्शन था, ये इसके सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपने कंप्यूट कर लिया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखें, क्वेश्चन नंबर 45। एक्स प्लस बी और उसकी पावर 3। जी, इसका लें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर को नीचे उतारें, पावर में से 1 माइनस करें और डेरिवेटिव को अप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के ऊपर,
तो ये हो जाएगा 3ax plus b का होल स्क्वायर, ax plus b का डेरिवेटिव a हो जाएगा, 3ax plus. सेकंड ऑर्डर पावर को नीचे उतारेंगे, 3 टू 6 a हो जाएगा, ax plus b हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट का लेंगे डेरिवेटिव, तो ये जगह 6a इंटू ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर 1 हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव a आ जाएगा, a बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6a का स्क्वायर ए एक्स प्लस बी. फिर लेंगे इसका थर्ड डेरिवेटिव, 6a स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a आ जाएगा, ये बन जाएगा 6a क्यूब. फिर जैसे इसके फोर्थ ऑर्डर की तरफ जाएंगे, 6a क्यूब एक कांस्टेंट है, तो हाईएस्ट पावर 3 थी फंक्शन की, तो थर्ड ऑर्डर तक हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए आपका 0. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 49. ex first derivative ex second ex third ex and so on. इसका nth order derivative, nth order का मतलब होता है last derivative, वो भी ex होगा, no change, first भी, second भी, third भी, fourth भी, sixth भी and so on, सारे derivatives के ex 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 आते हैं. तो हम यहां पे इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एन एक्स इक्वल टू ई एक्स वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. मतलब एन को आप कोई भी लें, एन इज डिफाइंड ऑर्डर, एन को 1 रखें फर्स्ट ऑर्डर, n को 2 रखें सेकंड ऑर्डर, n को 3 रखें थर्ड ऑर्डर, n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखें, आपके पास उसका डेरिवेटिव ex आएगा. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि x का इस y का स्क्वायर और y की पावर 2, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? इसका तो मतलब हो गया y इंटू y, y स्क्वायर, और इसका मतलब है आपने y का 2 दफा डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब ये होता है. तो अगर पावर में ब्रैकेट आ जाए ना, पावर में ब्रैकेट आ जाए, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है n को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, n को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव का ऑर्डर. मतलब यहाँ पे जो भी होगा ना, उतने ऑर्डर तक उसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना. अच्छा, y की पावर 2 अगर ब्रैकेट में लिखें या y को डबल डैश के साथ लिखें, इसका मतलब एक ही होता है. अगर लिखा हुआ है y ट्रिपल डैश, तो इसको आप लिख सकते हैं y 3 ब्रैकेट, ठीक है. तो ये नोटेशन है, खास तौर पर इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं आप दोनों को एक ही मतलब ले लें. वो आपको कहता है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, फाइंड y स्क्वायर. एमसीक्यूज में आया था क्वेश्चन, y स्क्वायर निकालना. हम इसी एक्सप्रेशन को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ये चीज, और अगर वो पूछता है y 2 ब्रैकेट में, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस फंक्शन का 2 दफा डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, 2 दफा. एक दफा डेरिवेटिव आएगा इसका 3, दूसरी दफा इसका डेरिवेटिव आएगा 0. तो
इस इक्वेशन का y2 जीरो है और इस इक्वेशन का y स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर, तो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। इसका मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब है इसका दो दफा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को हम इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं या इस तरह से डैश की फॉर्म, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ आते हैं इस तरीके से, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से नंबर लिखकर उसके बाहर ब्रैकेट। ये डेरिवेटिव ऑर्डर है और ये सिंपल पावर है। पावर का मतलब होता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं, मतलब फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके जी, इस क्वेश्चन का लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन आपके पास 50th। e की पावर माइनस सिक्स, तो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस सिक्स को लिखेंगे और फिर उसकी पावर का लेंगे डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस सिक्स इंटू माइनस वन, तो ये आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस e। और जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे f डबल डैश, तो क्या करेंगे, माइनस को तो बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे e की पावर माइनस x पर, तो फिर दोबारा माइनस e माइनस x आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। फिर आप इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये दोबारा माइनस में आ जाएगा, इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, ये दोबारा प्लस में आ जाएगा, इसका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, ये दोबारा माइनस में आ जाएगा, इसका सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, ये दोबारा प्लस में हो जाएगा, एंड सो। अब आप जब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, nth ऑर्डर, वो ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, क्योंकि अब हमें n का तो नहीं पता ना, n क्या होगा, n 10 है, 20 है, 30 है, 100 है, क्या है, n का तो हमें नहीं पता, n का तो हमें ये पता है लास्ट डेरिवेटिव। तो लास्ट में आप देखें आपके पास सीक्वेंस क्या बन रही है, 1, 3, 5, n, 2, 4, 6, n, तो यहां पे देखें अगर, तो ऑर्डर यहां पे इवन में चल रहा है, यहां पे ऑर्डर ऑड नंबर में चल रहा है, तो जब ऑर्डर ऑड नंबर में होगा तो आंसर में नेगेटिव का साइन आ रहा है। इफ n इज ऑड देन आंसर में आप नेगेटिव लिखेंगे, if order is even, n is even, then answer में आप माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। बस अब आप इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इन जनरल f n x का आंसर आप क्या लिखेंगे, दो तरह से लिखेंगे, माइनस e की पावर माइनस x और प्लस e की पावर माइनस, ये कब लिखेंगे, इफ n इज ऑड, ये कब लिखेंगे आंसर, इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो आंसर ही आएगा और अगर n ऑड होगा तो आंसर ही आएगा। तो ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए, यहां पे मैंने लिख दिया, नेगेटिव अगर आएगा तो इवन होगा, ऑड होगा, और अगर प्लस होगा तो एन इवन होगा। ये है हमारा बेसिकली आंसर 50th का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। इस चैप्टर की हमारी एक एक्सरसाइज रह गई है 15.7, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब हम आए थे आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। 5x²-10⁵ = 0 का स्टेप लॉजिक बता दें, हाउ द पावर मूव टू 0। देखें, जब हम किसी पावर को इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, जस्ट लाइक अगर लिखा हुआ 2x = 10, अगर हमने x के लिए कंप्यूट करनी हो तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाते हैं। अगर x के साथ 2 डिवाइड हो रहा हो और हमने x की वैल्यू कंप्यूट करना हो, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज तो आपको पता होगी। और अगर 2 का स्क्वायर होता है 4 पे, तो हम जब इस पावर को इधर लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं 1/2? हम बोथ ऑफ साइड स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर क्या करता है, इसको कैंसिल कर देता है, यहाँ पे 1/2 आते हैं। और लॉजिकली देखें तो ये 2 है, इधर जाके 1/2 हो गया। इसी तरीके से 5x - 10 की पावर अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये 2 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये 0 की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 0 की पावर कुछ भी लें वो तो 0 ही रहेगा ना, तो एक किस्म का ना ये पावर इधर जाके खत्म हो जाती है, 0 है ना, 0 की पावर कुछ भी लें वो 0 ही हो जाएगा। तो 2 जब एक साइड से, मैंने आपको बताया था ये, जब हम ब्रैकेट की पावर को, किसी भी पावर को जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं ना, तो वो दूसरी तरफ जाके 1/2 हो जाती है। और अगर ये पहले से 1/2 होगी तो दूसरी तरफ जाके 2 हो जाएगी। हम करते हैं ना टेकिंग स्क्वायरिंग, स्क्वायर क्या काम करता है, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो दूसरी तरफ वो स्क्वायर बन जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर 5x - 20 लिखा हुआ है और पावर 3 है और 0 है, तो ये बन जाएगा 20 0 की पावर 1/3। और अगर ये पावर इस तरह से लिखी है 5x - 20 की पावर 1/3, तो यही पावर दूसरी तरफ जाके हो जाएगी 0 की पावर 3। ये रूल होता है, ये रूल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था, बहुत सारे इसके रूल्स थे एक्सपोनेंट के, ये हमने वहां पे पढ़े थे और मैंने इसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की थी। ये फार्मूलास का हमने यूज किए यहाँ पे। देखें, हम जब भी क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव के अंदर, तो जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म अलग से होती है ना, कांस्टेंट टर्म अलग से होती है, तो हम उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 लिखते हैं, मतलब खाली कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाता है तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x का 1 हो गया तो इसका आंसर 0 हो गया, ये काम नहीं कर सकते हम। फिर हम इस कांस्टेंट को ना बाहर शिफ्ट कर देते हैं, डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं और डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर। देखो, यहां पे वेरिएबल नहीं था, मुझे इसी का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो 0 मैंने बताया था इसमें कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग अकर ही नहीं हो रही, इसमें वेरिएबल आ गया, तो अब ये कांस्टेंट तो है, नो डाउट कांस्टेंट है, बट यहां पे ये एक्स का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव का कोई असर नहीं होता, कोफिशिएंट बाहर आए थे, डेरिवेटिव का अप्लाई होगा तो वेरिएबल के ऊपर आता है, तो dx/dx 1 हो जाते हैं, तो 1 × 2, इसका आंसर हमारे पास 2 × 1 = 2। अच्छा, सिमिलरली आपने ये पूछा कि x/2 का आंसर जो है हम 1/2 क्यों लिख रहे हैं, अजान हो जाए मैं बताता हूं आपको भी। Thank you.
ओके सिमिलरली एक्स अपॉन टू को हम लिख सकते हैं 1/2 × x, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, और जब हम इसका डायरेक्टली कंप्यूट करेंगे तो 1/2 इज द कोफिशियंट ऑफ x, 1/2 बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई होगा x के ऊपर, तो डायरेक्टली x का डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर 1/2 लिखते हैं। इसलिए इसका आंसर ये इसका अलग हमारे पास कोई रूल नहीं है। हम इसके अंदर भी जब इसका डायरेक्टिव कंप्यूट करते हैं तो हम ये काम नहीं करते कि इसका अलग डायरेक्टिव ले लें, इसका अलग ले लें, इसमें भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसका डायरेक्टिव 1 हो गया, इसका डायरेक्टिव 0 हो गया, इसका आंसर 0 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। 1/2 इज अ कोफिशियंट, इसको हम अलग कर लेंगे, डायरेक्टिव को एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, जब एक्स के ऊपर डायरेक्टिव का आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा, 1/2 × 1 ये 1/2 हो जाएगा, एक्स अपॉन टू का डायरेक्टिव 1/2 होगा, 0 नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपके। देखिए मैंने बताया ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है फसीउल्ला, स्लोप स्ट्रेट लाइन का जब आप कंप्यूट करते हैं ना डिफरेंट पॉइंट पे, उन सारे पॉइंट पे स्लोप इक्वल होते हैं स्ट्रेट लाइन में, और जब हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन होता है तो उसके हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होते हैं। जब आप x को 1 पुट करेंगे उसका स्लोप कुछ और रहेगा, जब आप x को 2 पुट करेंगे उसका स्लोप कुछ और रहेगा, जब आप x को 3 पुट करेंगे उसका स्लोप कुछ और रहेगा। तो बेसिकली जब हम किसी फंक्शन का डायरेक्टिव कंप्यूट करते हैं तो डायरेक्टिव कंप्यूटिंग के बाद जो हमारे पास आंसर आता है ना वो स्लोप की इक्वेशन होती है, फिर उस इक्वेशन में हम जो भी पॉइंट पुट करते हैं ना वो इक्वेशन हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके स्लोप बताते हैं। तो ये सिर्फ नॉन लीनियर में होता है, लीनियर में ये नहीं होता, लीनियर में तो हर पॉइंट पे स्लोप इक्वल होते हैं, तो नॉन लीनियर में जितने पॉइंट होंगे उतने स्लोप्स होंगे। तो नॉन लीनियर फंक्शन का जब भी हम स्लोप कंप्यूट करते हैं हम उसका डायरेक्टिव निकालते हैं, डायरेक्टिव क्या शो करता है कि ये स्लोप की एक्सप्रेशन है, ये स्लोप की इक्वेशन है। अब आपको जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है वो पॉइंट आप इक्वेशन में पुट करें, आपको वो स्लोप कहां से मिलेगा। ओके जी, आपके ये क्वेश्चन आंसर थे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 5.15.7 वो एंड करेंगे, और टाइम अगर बचा तो हम फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास, और सैटरडे को एज इट इज हम एमसीक्यूज करेंगे। ओके जी, मैं अपनी क्लास ऑफ करूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।